Hello so friends in this video we'll talk about Harold Pinter one of the famous writer of postmodern age and he was one of the famous postmodern dramatists. let's talk about Harold Pinter this is our fourth video on Harold Pinter so please watch my last video so that you can understand the Harold Pinter in a better way and his works in a better way let's talk about Harold winter. एंड हमने ये कर लिया था नोबल प्राइज़ विनर है हेरोल्ड पिंटर पिंटर पॉस इन्हीं के नाम से जाना जाता है जिसमें एक कैरेक्टर बिना बोले ही बहुत कुछ बोल जाता है उसका उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ बोल जाती है और इनकी जो राइटिंग्स है ऑब्सडिटी है उनमें ईगो आइडल जो है काइंड ऑफ मेंटर जो यूज़ कर रहे हैं पिंटर के एंड कॉमेडी ऑफ मीनस इसमें दो टाइप की राइटिंग ये लिखते हैं कॉमेडी ऑफ मीनस एंड मेमोरी और मैनेंस का मतलब होता है डेंजर और थ्रेट हर वर्क में उनके कुछ ना कुछ जो कैरेक्टर्स है उनको खतरा दिखाई देता है ख़तरा समझ में नहीं आता कि खतरा किस चीज़ से है तो इस टाइप की एपसिडिटी उनके प्लेस में हमें देखने को मिलती है मेमरी प्लेस भी है उनके एंड द फर्स्ट वर्क जो उनका था जो हमने डिस्कस किया है वो है द डम वेटर ओके तो आपको याद रखना है द डम वेटर रिटर्न बाय हेरोल्ड पिंटर वन एक्ट प्ले है ये नेक्स्ट इज द रूम ये हमारे लास्ट वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिए हैं तो द रूम भी इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड बर्थडे पार्टी भी हमने कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट वीडियोस में एंड इन यस्टरडे वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द के टेकर तो केयर टेकर भी हमने कंप्लीट कल की वीडियो में कर लिया था आज हम बात करेंगे द होम कमिंग की द होम कमिंग तो ये क्या है 1964 में पब्लिश हुआ था टू एक्ट प्ले है ये दो एक्ट में ही ख़त्म हो जाता है मैक्स इज ए रिटायर बुचर तो मैक्स क्या है रिटायर बूचर है इसमें और जो जैसी है मैक्स की वाइफ है डाइट बिफोर द प्ले स्टार्ट और इसको मरा दिखा देते हैं प्ले स्टार्ट होता है उससे पहले कि हाँ ऐसा कोई कैरेक्टर था जो मर गया और टेडी है इसमें जो मैक्स है ना उसका सन है बेटा है टैडी ओके एंड हु इज़ ए फोसफी प्रोफेसर है हु इज़ टर्निंग फ्राम अमेरिका रिटर्निंग फ्राम अमेरिका तो वो अमेरिका से आ रहा है फिलासफी का प्रोफेसर है एंड इन दिस प्ले दे आर टॉकिंग अबाउट होम कमिंग ऑफ टैडी और इसमें वो किसकी बात करें कौन आ रहा है वापस टैडी वापस आ रहा है इस प्ले में ओके okay? तो आपको याद रखना है अमेरिका से टैडी वापस आ रहा है और लेनेम का कैरेक्टर है इसमें अदर सन ऑफ मैक्स तो ये मैक्स का दूसरा बेटा है ही इज ए पिम्प ये पिम्प है ओके तो आपको याद रखना है ही इज ए पिम पिम कौन होता है हु अरेंज प्रोस्टिट्यूट जो प्रोस्टिट्यूट को अरेंज करता है दूसरे व्यक्ति के लिए तो उसको पिम्प कहते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर इज जॉय जॉय क्या है इज ए बॉक्सर ये एक बॉक्सर है सन ऑफ मैक्स तो ये भी मैक्स का ही बेटा है जॉय एंड और देखते हैं बाकी कैरेक्टर्स रूथ है इसमें टेडी वाइफ तो कौन है? टेडी की वाइफ है मॉडल, मॉडल तो वो एक है। एंड सैम सैम क्या है मैक्स ब्रदर चोफियोर तो ये मैक्स का भाई है ओके okay? मैक्स का सैम क्या है मैक्स का भाई है मैक है इसमें फ्रेंड ऑफ मैक्स तो ये मैक्स का दोस्त है तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए क्या स्टोरी है कि ये भी जो भी कैरेक्टर आपको किसी भी प्ले में तो मतलब किसी भी क्वेश्चन में इनका नाम दिखे तो समझ जाना कि होम कमिंग के कैरेक्टर्स है तो इसीलिए कैरेक्टर की लिस्ट आपको पता होनी चाहिए और स्टोरी क्या है टूवर्ड्स द एंड तो टेडी आने वाला होता है प्ले में एंड टूअर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले वी आर शोन द रियलिटी दैट सैम रिवेज दैट जेसी हु इज ए मैक्स वाइफ शी हैड शी हैड रिलेशन विथ मैक तो उसमें लास्ट में पता चलता है कि जो मैक्स की वाइफ थी जो पहले मर गई थी उसका रिलेशन किससे था मैक्स के फ्रेंड के साथ मैक के साथ था इन द बैक ऑफ़ इस कार तो ये स्टोरी थी इनकी बस आपको इतना ही याद रखना है ज़्यादा नहीं तो जो भी बिल्कुल डिटेल में करना होता है वो हम डिटेल में कर लेते हैं तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया था क्वेश्चन था वट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ मैक्स लेने इन हेरोल्ड पिंटर होम कमिंग तो लेने जो कैरेक्टर है उसका होमकमिंग uh, में उसका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो क्या है पिंप है हु अरेंजर्स प्रोस्टिट्यूट तो ये आपको याद रखना है द नेक्स्ट वर्क इज़ नो मैंस लैंड नो मैंस लैंड जो इम्पोर्टेंट वर्कस है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करने चाहिए और जितना करना चाहिए उतना ही हम करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डिटेल नोट्स डिटेल मटेरियल सारा मिलेगा उस पर तो आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा तो नेक्स्ट है नो मैंस लैंड और इट वॉज़ पब्लिश्ड इन 1975 में पब्लिश हुआ था द कैरेक्टर एंड नेम आफ्टर आफ्टर क्रिकेट प्लेयर्स जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उन्हीं के नाम से कैरेक्टर्स के नाम रखे गए हैं इट इज़ अबाउट ए अल्कोहलिक रिच और ये एक बेवड़े की कहानी है अमीर की हु इनवाइट ए पोएट टू हैव ए ड्रिंक विथ हिम जो एक पोएट को बुलाता है वो ताकि उसके साथ ड्रिंक ले सके दारू पी सके तो ये स्टोरी है इसकी किसकी नो मैंस लैंड की द नेक्स्ट इज़ बिट्रायल बिट्राइल इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी एट में पब्लिश हुआ था एंड दिस प्लॉट टॉक्स अबाउट अलिट्रेडियस लवर्स ईमा तो ये किसके बारे में है ईमा के बारे में है एंड जेरी के बारे में है दोनों लवर्स है टू ईयर्स आफ्टर देयर अफेयर दोनों के अफेयर के बाद में दो साल के बाद में अफेयर एज एंडेड और भैया अफेयर तो ख़त्म हो गया एंड दे मीट एंड टॉक अबाउट दे लव लाइफ और वो मिलते हैं और अपने प्यार के दिनों को वापस याद करते कि ऐसे ऐसे तुम बात करते थे ऐसे ऐसे हम बात करते थे कोई फ़ायदा नहीं अपने ज़िंदगी में अपने टारगेट को अचीव करो ये फालतू की चीज़ें होती हैं द नेक्स्ट इज़ वन फॉर द रोड द नेक्स्ट इज़ वन फॉर द रोड एंड इट वाज इन 1984 में पब्लिश हुआ था वन एक्ट प्ले है एक ही एक्ट में खत्म एंड इट इज ए पॉलिटिकल प्ले ये एक पॉलिटिकल प्ले है अबाउट टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट तो किसके बारे में है टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में है एंड द प्ले टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन डे और एक ही दिन में प्ले पूरा दिखाया गया है इन वन रूम एक ही कमरे में एक ही दिन का प्ले है सो यूनिट ऑफ एक्शन एंड यूनिट ऑफ टाइम इसमें है क्या है यूनिट ऑफ एक्शन और यूनिट ऑफ टाइम हेरोल्ड पिंटर ने इसमें यूज करी है क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन आया था विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिंटर प्ले तो करेक्ट सीक्वेंस लगाना है पिंटर जो हेरोल्ड पिंटर के प्लेस का तो सारे जो चार प्लेस दे रखे हैं तो फर्स्ट कौन सा आएगा द रूम कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट याद रखना है द रूम उनका पहला प्ले है फिर द होम कमिंग फिर नो no लैंड फिर one for the for the road one for the road next step तो ये इनके प्लेस है नेक्स्ट देख लेते हैं राइटिंग इनकी द सेलिब्रेशन नेक्स्ट है सेलिब्रेशन दा नहीं लगेगा सेलिब्रेशन है ओनली और इट वाज पब्लिश्ड इन 2000 ये पब्लिश हुआ था 2000 में प्लॉट देख लेते हैं थ्री कपल्स डाइंग इन द एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट और तीन कपल है वो मर रहे हैं कहाँ पे बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में इन द टाउन वो एक शहर में है एंड द रेस्टोरेंट इन विच दे आर डाइनिंग और सॉरी डाइंग नहीं है वो खाना खा रहे हैं थ्री कपल्स उसके अंदर एंड दे आर डाइनिंग इज ए एल्यूशन टू आई वी वाई रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट का नाम क्या है रेस्टोरेंट इन लंडन का आई वी वाई तो रेस्टोरेंट का नाम आपको याद रखना है आई वी वाई रेस्टोरेंट का नाम है एंड रेस्टोरेंट ऑन वन टेबल वी हैव टू ब्रदर्स तो उसमें क्या है एक जो टेबल है उसमें दो भाई है टू ब्रदर्स लैम्बर्ट एंड मैट लैम्बर्ट एंड मैट एंड ऑन द अदर टेबल वी हैव टू सिस्टर्स प्योरे एंड जूली और दूसरी तरफ दो सिस्टर्स बैठी है एक तरफ दो भाई बैठे हैं दूसरी तरफ दो बहने बैठी है प्यूरे एंड चेली जूली एंड लैम्बर्ट आई डी मैरिड टू जूली तो लैम्बर्ट क्या है किसी शादी है जूली से लैम्बर्ट इज मैरिड टू जूली लेमबेड की शादी किससे हुई है जूली से एंड मैट इज मैरिड टू प्योरे एंड मैट की शादी हुई है प्योरे के साथ एंड दे आर सेलिब्रेटिंग लम्बर्स एंड जूली वेडिंग एनिवर्सरी तो वो लेम्बेड एंड जूली की मैडिंग वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड देर इज थर्ड टेबल और ये दोनों तो एक टेबल पे बैठे हैं सारे चारों के चारों और जिसमें थर्ड टेबल है इन विच वी हैव रसेल एंड सुक्की जिसमें रसेल एंड सुकी बैठे हैं हु लेट अ जॉइन दिस कपल उसके बाद में ये भी इन्हीं कपल को ज्वाइन कर ले देते कर लेते हैं इन देयर सेलिब्रेशन उनकी खुशी में उनके सेलिब्रेशन में एनिवर्सरी जो बना रहे हैं एंड द प्ले एंड इन ए मिस्टीरियस एंड इनकम्प्लीट स्पीच फ्रॉम द वेटर तो प्ले जो है ऐसे जैसे इसीलिए तो एप्स प्ले बोलते हैं कुछ भी हो जाता है कभी भी हो जाता है तो मिस्टीरियस और इनकम्प्लीट स्पीच है वेटर ने जो दी है विच हिंट्स एज द पॉसिबल वे टू एस्केप फॉर ऑफ द एवरीडे लाइफ तो दिखाया उसमें उस स्पीच में बता रहे हैं कि कैसे हम अपने डेली रूटीन की लाइफ है उससे भागा जा सकता है कैसे उसे बचा जा सकता है इसमें दिखाया गया है एंड हेरोल्ड प्रिंटर हैव प्लॉट्स विच डज़ नॉट मेक एनी सेंस और उनके जैसे हमने प्लॉट देखे हैं कोई सेंस ही नहीं होता क्या है क्या नहीं बस एंड दैट इज़ हाउ एपसिडिटी प्ले सपोज टू भी रिटर्न और इसी लिए इनको एप्सिडिटी प्ले कहा जाता है और इसी लिए इसी टाइप से एपसडिटी प्ले जो है लिखे जाते हैं तो ये था आज हमारा हेरोल प्रिंटर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और ने जो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया था आइडेंटिफाई द टू प्लेस यूजुअली पेड फॉर देयर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड एक्ट्स ऑफ पोलाइज इंटरोगेशन तो आंसर इज वन फॉर द रोड वन फॉर द रोड तो ये था आज का वीडियो कल की वीडियो में हम बात करेंगे सैमुअल बकेट की और कोई आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको अच्छा लगे तो और लाइक ज़रूर करें जब भी वीडियोस देखें क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बड़ा मायने रखता है और कोई डाउट हो तो कमेंट करें एंड मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके तो थैंक यू फॉर watching and have a great day